हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रिक्शन लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आफ्टर 2.5 मंथ्स के बाद मैंने हिम्मत जुटा के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हुआ है, सब कुछ घर पे भी बाहर भी। मेरी मम्मी अभी फ़िलहाल नहीं रही। मैं फरवरी से लेकर जुलाई तक मैं यहाँ पे था, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा था मेरे आसाम वाले घर से, फिर मैं चला गया था कोलकाता। इतना सडनली ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा मैं सोचा नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गया था तब भी ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल था, मम्मी पापा काफ़ी ठीक थे। काफ़ी हद तक कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा था फिर भी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से गया, मेरे यहाँ से जाते ही एक महीना बाद ही मेरे को कॉल आता है कि मम्मी पापा का तबीयत ठीक नहीं है, दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। फिर मम्मी पापा को यहाँ पे एडमिट करवाया गया। मैं तो यहाँ पे था नहीं, मैं फ़ोन में कांटेक्ट कर रहा था उन लोग के साथ, तो लकीली उन लोग को बेड मिल गया था हॉस्पिटल में। वो एक अच्छी बात है जो कि अक्सर मिलता नहीं है कोविड पेशेंट को ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे थे कोविड के लिए, तो वैसा कुछ दिक्कत हमें हुआ नहीं। लेकिन मम्मी का मुझे चांसेस थोड़ा कम हो लग रहा था रिकवरी करने का, क्योंकि इनका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत तो पहले भी बहुत सीरियस थे। एक आध बार हम चेन्नई भी लेके गए थे, पेसमेकर लगा हुआ है, लंग्स का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, बहुत प्रॉब्लम है, तो उनका चांसेस मुझे कम लग रहा था रिकवरी होने का। और आखिर में कुछ ऐसा ही हुआ, फर्स्ट सेप्टेम्बर को मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई और फिर पापा वहीं पे हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। तो फाइनली हमें मैं यहाँ पे आया 29th को, यहाँ पे मैं पहुँच गया था उससे पहले, 1 तारीख के पहले। लेकिन क्योंकि कोविड पेशेंट है तो किसी को मिलने की इजाज़त नहीं होती है उनके साथ, वो लोग को कोविड वार्ड में रखा गया था। तो जैसे तैसे फिर भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मैंने सोचा था कि शायद से रिकवर कर जाएंगे। लेकिन 1 सितंबर को मुझे कॉल आता है कि वो उनका तबीयत थोड़ा सीरियस है। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मम्मी एक्सपायर कर गई है। तो उस सिचुएशन को मैंने जैसे तैसे इमोशनल ना होके उस मोमेंट में जो करना चाहिए था मैंने किया। वैसे तो लोग बहुत कम थे मेरे यहाँ पे, सिर्फ एक मेरा भांजा था, मैं था और मेरे एक भैया थे, तो हम तीनों ने मिलकर सिचुएशन को जैसे तैसे टैकल किया। उसके बाद एक एक करके मेरे जो जीजा जी आए, मेरे चाचा आए, फिर जैसे तैसे मैनेज करके सब कुछ देर भी वगैरह हमने किया अच्छे तरीके से, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ वैसे, क्योंकि उन्होंने बहुत तकलीफ झेली है मतलब इस उम्र में आके। लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी मतलब सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा बोल के, मैंने एक्सपेक्ट किया था और 2-3 साल कम से कम हमारे साथ वो रहेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं पापा को फिर से वापस घर ले आ पाया। पापा अभी ऑलमोस्ट ठीक है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है पापा का। तो आई होप आगे सब कुछ अच्छा रहेगा, लाइफ गोज ऑन, ज़िंदगी चलती रहती है, ऐसे पड़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो उसके साथ आगे बढ़ते हुए हमें चलते रहना पड़ता है। तो अभी सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हुआ, मुझे काफ़ी टाइम लगा ये सब नॉर्मल करने में, बहुत सारे काम थे पेंडिंग इधर उधर का, मतलब पार्टी में रखे मैं कोलकाता जाके फिर से मेरे फैमिली को लेके आया। पहले मैं अकेला आया था, सब कुछ मैनेज किया ताकि दोनों एक ही साथ में मतलब कोरोना कोविड पॉजिटिव हो गए थे मम्मी पापा, तो उसके लिए फिर मुझे घर पर सैनिटाइज करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे मतलब जिम्मेदारी सडनली आके पड़ी मेरे ऊपर, टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था मुझे, साथ ही साथ मेरा ऑफिस भी मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए मतलब टाइम निकाल के वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज फाइनली आज का दिन मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि आज दिवाली है। हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू यू ऑल। सावधानी से सेलिब्रेट कीजिएगा अगर बच्चे हैं घर पे, और ज़्यादा साउंड वाले पटाखे मत फोड़िए ताकि बड़े बूढ़ों को तकलीफ ना हो। तो आज की हमारी छोटी मोटी तैयारी है दिवाली के लिए, सीजा छोटी है तो उसको ऐसा मतलब दिवाली के टाइम पे, लास्ट टाइम भी हम गए थे कहीं पे घूमने के लिए, उसका भी वीडियोस है, आप देख चेकआउट कर सकते हो। तो इस बार हम कोलकाता में नहीं है, आसाम की दिवाली हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो हम लोग पूजा इस बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 साल हम लोग को कुछ रिचुअल्स है हम लोग को मानना पड़ता है, तो हम पूजा पाठ नहीं कर पाए। लेकिन छोटा मोटा सेलिब्रेशन ऐसे दिवाली के दिन ऐसे बैठ नहीं सकते घर पे, थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह, थोड़ा पटाखे वटाखे, क्योंकि चीज़ें बच्ची है तो उसको ये सब चीज़ों में मज़ा आता है, तो मैं उसकी खुशी छीनना नहीं चाहता हूँ ये सब में। जो हो हमारे लाइफ में ऐसा हो जाता है, हर एक जीवन में ऐसा एक टाइम आता है, मेरा भी
टाइम आया, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि क्या हुआ इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आए, तो ये सब रीजंस था। बैक ऑन ट्रैक नाउ, सो आगे आने वाले वीडियोस चेक कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।